बीते 7 अक्टूबर को इसराइल में आम लोगों का कत्लेआम करने वाला हमास आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का प्रेरणा स्रोत बन गया है। खबर है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर अपने आतंकियों को हमास के कत्लेआम की वीडियो दिखाकर भारत के लिए तैयार कर रहा है। खुफिया एजेंसी को इसके इनपुट मिले हैं। ब्रिटेन और पोलैंड के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। करीब $5 अरब की इस डील के तहत ब्रिटेन पोलैंड को नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम देगा। पोलैंड की सरकार ने साफ कहा है कि उसे रूस की तरफ से क्रूज मिसाइल दागे जाने का खतरा है, लिहाजा यह डिफेंस डील बेहद जरूरी हो गई थी। अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किया, साथ में 18 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। यहां योगी अपने मंत्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बस में बैठकर पहुंचे थे। इस दौरान खिड़की से हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली एप बेस्ड टैक्सियों पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला उबर सहित ऐप बेस्ड दूसरी टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां ही चलेंगी। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में रोड शो करेंगे। खास बात यह है कि उनका यह रोड शो एक साथ 5 विधानसभाओं को कवर करेगा। पार्टी ने रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए अलग अलग नेताओं व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। भोपाल में सोम ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि ग्रुप ने बोगस खातों से कर्मचारियों के खातों में राशि जमा की जाती थी। शेल कंपनियों से मनी ट्रांजैक्शन का भी खुलासा हुआ है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड को दूसरी जीत मिली। टीम ने पुणे में नीदरलैंड को 160 रन के बड़े अंतर से हराया। इस हार से डच टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल में 10वें से नंबर 7 पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मार्क लैनिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लैनिंग का इंटरनेशनल करियर 13 साल का रहा। लैनिंग ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 4 T20 वर्ल्ड कप और 1 वनडे वर्ल्ड कप जिताया है। ऋतिक रोशन इन दिनों बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग में बिजी है। हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की फाइटर की शूटिंग कंप्लीट की। अब उन्होंने अयान मुखर्जी निर्देशित वॉर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। शनिवार को उन्होंने मेकर्स के साथ एक प्रोमो शूट किया। हालांकि वे पूरी तरह से दिसंबर में इस पर जुटेंगे। रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगैन से करीना कपूर का लुक सामने आ चुका है। कॉप यूनिवर्स की इस फिल्म में करीना बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी के रोल में नजर आएंगी। रोहित शेट्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया अकाउंट से करीना का लुक जारी किया है।